वेलकम नाजिम, पीटीसीएल और यूफोन के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट गेम की अरीना के तहत पबजी गेम का फाइनल लाहौर के निस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 30 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इवेंट के खिताम पर म्यूजिकल नाइट ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। एहसन अरशद की रिपोर्ट देखिए। यूफोन और पीटीसीएल के गेमिंग प्लेटफॉर्म की अरीना पर पाकिस्तान के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट का इनेकाद टूर्नामेंट के क्वालिफायर राउंड में मुल्क भर से 700 से जायद तजर्बाकार वो नौआमोज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच निस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ। ऑनलाइन गेम्स के शौकीन अफराद की कसीर तादाद फाइनल मैच देखने आई। लाखों लोगों ने ऑनलाइन भी मुकाबला देखा। फाइनल मैच जीतने वाली टीम का कहना था कि यूफोन और पीटीसीएल की जानिब से मुनक्कद किया गया ये मुकाबला गेमिंग के शौकीन अफराद के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इससे ऑनलाइन गेमिंग को फ़रोग मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो लाइन इवेंट था, लाइक ऐसे इवेंट्स हों तो और जो है अपनी पाकिस्तानी आवाम जो कॉम्पिटिटिव की ऑडियंस है वो और बढ़ेगी, तो मतलब ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को। इवेंट के मुंतजमीन का कहना था कि यूफोन और पीटीसीएल की जानिब से गेमिंग के शौकीन नौजवानों के लिए ये इवेंट करवाया गया जिसे नौजवानों ने बहुत पसंद किया। पीटीसीएल और यूफोन की जानिब से इस साल का सबसे बड़ा ई गेमिंग जो इवेंट है उसके सिलसिले में हम यहाँ पर लाहौर में इकट्ठे हुए हैं और 700 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट किया और आज हम यहाँ पर 16 टीम्स के साथ ग्रैंड फिनाले जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। जीतने वाली टीम को कैश इनाम के साथ ट्रॉफी भी दी गई, जबकि मैच के इख्तिताम पर म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। मारूफ गुलूकार शमून इस्माइल के गानों ने समा बांध दिया। नौजवानों ने खूब हल्ला गुल्ला भी किया। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ एहसन अरशद, लाहौर। अब तक